हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रोडक्शन मैनेजमेंट। में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि आईएसओ। आईएसओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। द टॉपिक इज रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये जो टॉपिक है वो क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे आईएसओ का इंट्रोडक्शन। क्या है आईएसओ? ISO International Organization for Standardization is the world largest developer and publisher of the international standards. ठीक है, ISO International Standards की एक organization है। ISO is a network of the National Standards Institute of 163 countries. ठीक है, ये आप एक बार दोबारा से टैली कर लीजिए। 163 countries, one member per country with a central secretariat in the Geneva. स्विट्जरलैंड दैट कोऑर्डिनेट द सिस्टम। आईएसओ इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉर्म्स अ ब्रिज between public and private sector, between public and private sectors. On the one hand, many of its members institute are part of the governmental structure of their countries, are mandated by their governments. So on the other hand, other members have their root uniquely in the private sector, having been set up by national partnership of industry associations. ठीक है, ISO enable a consensus to the reach on the solution that meet the both requirement of business and the broader needs of the society. आईएसओ क्या है? आईएसओ वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत 1947 में हुई। बिटवीन द 1947 एंड द प्रेजेंट डे आईएसओ हैज पब्लिश्ड मोर देन 18,500 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रेंजिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ द एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल डिवाइसेज टू न्यूएस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे अदर सेक्टर जिसके लिए आईएसओ ने बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए। सो मल्टी सेक्टर स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट वुड बी हार्ड टू रिप्रेजेंट अ हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव समराइजिंग द चैलेंजेस टू द प्रोफेशन, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स और समटाइम्स द मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन द लार्ज वैरायटी ऑफ सेक्टर्स कवर्ड बाय द आईएसओ टेक्निकल वर्क्स। ठीक है, तो आईएसओ एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईएसओ इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपर और पब्लिशर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जैसे आपने कोई भी आप किसी भी प्रोडक्ट को देखें तो कभी कभी आप ये देखते ये सुनते हैं कि आईएसओ सर्टिफाई है या नहीं। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई अगर किसी कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो वो कौन आईएसओ के किस स्टैंडर्ड से सर्टिफाई है। ठीक है, तो आईएसओ क्या है? आईएसओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप और पब्लिश करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, और उसके हिसाब से अगर कोई भी एक प्रोडक्ट आईएसओ से सर्टिफाई हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, वो अप्रूव हो गया कि वो क्वालिटेटिव भी है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। ठीक है, और उसकी अपनी एक मार्केट में गुडविल और रेपुटेशन है। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट आईएसओ से सर्टिफाई हो जाते हैं वो अप्रूव हो जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं कि हाँ उनकी क्वालिटी, उनके स्टैंडर्ड अप टू द मार्क्स हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा करंट में कौन सा आईएसओ का स्टैंडर्ड चल रहा है। इस तरीके से बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आए, पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं आईएसओ 9000, आईएसओ 9001, 9002, 9003, 4,
आईएसओ 14,000, 9,000 टू 2,000 इस तरीके से, ठीक है। सो आईएसओ 9000 प्रोवाइड डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन हाउ टू सिलेक्ट ओवर स्टैंडर्ड फॉर अ गिवन बिजनेस, जो कि एप्लीकेबल है ऑल इंडस्ट्रीज पे। 9001 क्वालिटी एश्योरेंस इन डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोडक्शन इंस्टॉलेशंस एंड सर्विसिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग दैट डिज़ाइन डेवलप इंस्टॉल सर्विस प्रोडक्ट एप्लीकेबल टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स, ठीक है। ISO 9002 क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन, एग्जाम्पल ऑफ दीज कैटेगरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड स्टील एंड कार मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल है। आईएसओ 9001 ये रिलेटेड है क्वालिटी एश्योरेंस इन डिजाइन डेवलपमेंट प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग, ठीक है। और ये एप्लीकेबल है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फर्म मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन डेवलपमेंट एप्लीकेबल टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। 9002 क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन मुन्नी का फोन करोगे? क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन दिस कैटेगरी इंक्लूड्स इंडस्ट्री इंक्लूड्स स्टील एंड कार मैन्युफैक्चरिंग स्टील एंड कार मैन्युफैक्चरिंग। आईएसओ 9003 टेस्ट एंड इंस्पेक्शन ये रिलेटेड है केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से, केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री 9000 थी। तो ये आपको स्टूडेंट लर्न करने होंगे कि भाई आईएसओ 9000 की बात कर रहे हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज एप्लीकेबल टू द ऑल इंडस्ट्रीज फॉर द स्टैंडर्ड। 9000 वेंट स्पेशलाइज फॉर द डिजाइन डेवलपर प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन एंड रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फर्म्स सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। अगर मैं आईएसओ 9003 की बात कर रहा हूँ, इट मींस टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द केमिकल इंडस्ट्रीज। अगर 9000 आईएसओ 9004 की बात कर रहे हैं तो ये रिलेटेड है क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट,
और ये भी ऑल इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल है। ISO 14000 ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं उनको ISO 14000 का सर्टिफिकेशन भी लेना होता है, ताकि वो ये प्रूव कर सके कि भी जो भी वो प्रोसेस कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल थ्रेट्स या एनवायरमेंटल की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे फ्री है। यानी कि जो भी हम मैन्यू जैसे कोई भी इंडस्ट्री अगर वो रन कर रही है, तो अगर उसके पास ISO का 14000 का सर्टिफिकेशन है, इट मीन्स कि भी वो इंडस्ट्री में जो भी प्रैक्टिस हो रही है उसका एनवायरनमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, ये हर इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल है, किसी भी तरीके की हो। ISO 14000 का सर्टिफिकेशन हर इंडस्ट्री को लेना पड़ता है। और लास्ट है ISO 9000 से लेके 2000, तो ये डिज़ाइन असेसमेंट इम्प्रूवमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी ऑल इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने डिस्कशन किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और इसके कुछ टाइप्स के बारे में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कशन करेंगे प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ISO। ठीक है, तब तक आप ये पढ़िए, स्टे हेल्थी, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।